कोई व्यक्ति भगवान का जप करता है, भगवान कृष्ण को समर्पण करता है, तो वह बहुत बड़ा काम कर रहा है और देवता उसे आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्र, वरुण देव, कुबेर, धर्मराज, ये सब लोग अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं उसको। ये सिद्धांत है, देखते हैं कि ये भगवान का भक्त है। भागवत में एक कथा है कि ध्रुव महाराज अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए अलकापुरी पर चढ़ाई किए, कुबेर जी की नगरी। कुबेर जी जक्षराज हैं और जक्षों ने वध कर दिया था इनके भाई का, उत्तम का। तो ये गए और जा करके अलकापुरी में इन्होंने युद्ध किया। वे भी इनके शंख वादन से, चुनौती से आ गए अलकापुरी, देवताओं से युद्ध करने गए। भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे, तब भगवान की कृपा से इनमें अद्भुत तेज था ध्रुव महाराज में, तो मारे बहुत से जक्षों का वध कर दिए। तो उनके स्वामी श्री कुबेर जी आए बाद में। हाँ, तो ध्रुव महाराज गए अलकापुरी, वध किए, फिर कुबेर जी आए। उसके पहले मनु महाराज आए, ध्रुव महाराज के पितामह। मनु महाराज ने समझाया कि तुम जैसे व्यक्ति को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, अरे मरण होता है अपने कर्म के अनुसार, तुम इस तरह का व्यवहार मत करो, अपने भाई के वध का बदला इस तरह से चुकाओ, निर्दोष जक्षों का वध कर। उन्होंने बहुत डांटा, ये भगवान के भक्तों का स्वभाव नहीं होता, बहुत स्नेह से डांटे। तब ध्रुव महाराज युद्ध रोक दिए अपने पितामह के कहने पर। तब कुबेर जी आए, उनके व्यक्ति मारे गए हैं, उनके अपने। तो कुबेर जी कहते हैं, महाराज मैंने सुना है कि आप भगवान के चरणों को प्राप्त किए हैं, भगवान का साक्षात दर्शन किए हैं मधुबन में, तो आपने न जक्षों को मारा, न आपके भाई को जक्षों ने मारा, ये सब काल का विधान है, हो जाता है। वो समझाने लगे कि आप हमसे वर मांगिए, देवताओं में सबसे धनी देवता हैं कुबेर जी, वे ध्रुव महाराज को लगे कहने कि आप हमसे कुछ मांगिए, जिनके आदमी मारे गए हैं इतने, वे ध्रुव महाराज से कहते हैं कि आप हमसे कोई वर मांगिए, कोई वस्तु मांगिए। अब लोग कहते हैं कि वैसे तो भगवान ने आपको दिया है, जो भगवान से मांग चुका है हम क्या दे सकते हैं आपको, लेकिन आप भक्त हैं विष्णु के, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ये कहते हैं। तो इस कथा का तात्पर्य ये है कि देवता भगवान के भक्त पर अपने अनुग्रह की वर्षा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, महामंत्र जप रहा है हरे कृष्णा, और भगवान का नाम की पूजा करता है, तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ये कहा गया, भगवान शिव ने भागवत में कहा गया है कि मेरा भक्त मुझको प्रिय नहीं है, सीधा कहा है मार्कंडेय जी के प्रसंग में, मेरा भक्त मुझको प्रिय नहीं है, श्री कृष्ण का, विष्णु का भक्त मुझको बहुत प्रिय है। और यही कह करके पार्वती जी से वे कहते हैं कि चलो मार्कंडेय जी का दर्शन करें। दर्शन करने जा रहे हैं एक भक्त का, जबकि वो भक्त इनका दर्शन पा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। तो वहां गए, बात किए मार्कंडेय जी से, उनको वर दिए। तो ये प्रसंग बता रहा है कि भगवान जब कहते हैं कि देवता भी सम्मान करते हैं, और की तो बात ही क्या, दुनिया सम्मान करती है।